हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो रिंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे थे। सो उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो टर्म जिसको हम लोग आज डिफाइन करेंगे या जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, फॉर इंटीग्रल डोमेन, फॉर एनी रिंग और इवन फॉर अ फील्ड, वो टर्म जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। ये कैसे डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स, किसी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है। सो उसको डिफाइन करते हैं। बट इसको डिफाइन करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये रिंग थ्योरी हुआ या इसके आगे हम लोग आइडियल्स करेंगे या फील्ड, हम लोग इवन जो है पीआईडी या फिर जो है फील्ड एक्सटेंशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो मैं आपको बोल दूं कि आप जो भी बुक्स पढ़ेंगे ना, सो डिफरेंट ऑथर्स जो डिफिनीशन जब यूज करते हैं तो समटाइम्स कुछ ऑथर्स जो होते हैं उस रिंग को या इंटीग्रल डोमेन को कॉमोटेटिव ले लेते हैं। समझिएगा, उस रिंग या फिर इंटीग्रल डोमेन हुआ उसको क्या कर देते हैं, कॉमोटेटिव ले लेते हैं। कुछ ऑथर्स जो होते हैं कॉमोटेटिव नहीं लेते हैं। सो आपको मैं अभी से क्लियर कर दूं कि अगर कोई ऑथर लिखता है कि ये लेट आर बी अ कॉमोटेटिव रिंग विद यूनिटी, कोई ऑथर जो ये नहीं लिखता, बस सिंपल सा लिखता है लेट आर बी अ रिंग। सो इससे कंफ्यूज मत होइए। होता क्या है, जब कॉमोटेटिव ले लेता है तो उस केस में क्या होगा, जो भी जो मल्टीप्लीकेशन मेरा है ना आर डॉट, जिसकी मैं बात बोलता हूँ सेमी ग्रुप किसी रिंग में, तो वो क्या अगर कॉमोटेटिव ले लेता है, सो दैट मीन्स क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन कॉमोटेटिव हो गया। अगर बोलता है रिंग कॉमोटेटिव है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन कॉमोटेटिव हो जाता है। सो वहां पे बस स्लाइड चेंज होता है डेफिनेशन में। जैसे मैं बता दूं आपको, अगर किसी बुक्स में अगर आप पढ़ते हैं, जैसे जीरो डिवाइजर्स की बात करते हैं, तो अगर स्टैंडर्ड बुक की बात मैं कर रहा हूं कि अगर स्टैंडर्ड बुक्स कोई भी फॉलो करते हैं तो सम ऑथर्स लिखते हैं कि वो रिंग कॉमोटेटिव हो जाती है। सो अगर कॉमोटेटिव ले लेता है तो वहां पर लेफ्ट जीरो डिवाइजर और राइट जीरो डिवाइजर का टर्म यूज नहीं करेगा, सीधे सीधे वो क्या बोलता है, जीरो डिवाइजर, ठीक है। सो और जैसे मैं डिफाइन करता हूं, आपको मैंने डिफाइन किया लेफ्ट जीरो डिवाइजर, अलग से राइट जीरो डिवाइजर, फिर मैं आपको बताया भी वही चीज में बताया कि अगर रिंग कॉमोटेटिव हो जाता है तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं या कॉन्साइड कर जाते हैं। सो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट वही बन जाता है। अब अगर कोई ऑथर बोलता है कि अगर वो कॉमोटेटिव रिंग है तो एक एलिमेंट जो मैं लेता हूं नॉन जीरो, उसको जीरो डिवाइजर बोलूंगा अगर वो कंडीशन लिखता है। और सम ऑथर्स में अगर बात करते हैं, कोई और ऑथर लिखता है कि वो रिंग है सिंपल, तो वहां पे वो क्या अगर बोलता है कि उसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं, मतलब वो लेफ्ट की भी बात कर रहा है राइट की भी बात कर रहा है, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। सो लैंग्वेज भी सेम हो जाता है, ठीक है। कॉमोटेटिव बोल के मैं सिंपल बोलता हूँ कि जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए इंटीग्रल डोमेन के लिए, और मैं सिंपल सा रिंग लेके मैं कॉमोटेटिव का जिक्र ही नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं जीरो डिवाइजर नहीं है, वो भी मीनिंग वही है लेफ्ट या राइट। सो कंफ्यूज मत होइएगा, आप स्टैंडर्ड बुक हमेशा पढ़िए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। वहां पे अगर कोई कॉमोटेटिव ले लेता है, कोई नहीं लेता है ऑथर, लेकिन आप अगर डेप्थ में जाके सोचेंगे तो कॉन्सेप्ट आप देखेंगे ना, जो कंडीशंस लिखते हैं वो अल्टीमेट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। सो चलिए यहां पे भी मैं बात करता हूं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे मे बी सम बुक्स में वो लिखेगा कि कॉमोटेटिव रिंग है विद यूनिटी, ठीक है, और सम ऑथर्स जो लिखते हैं कॉमोटेटिव रिंग नहीं है, ठीक है। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो डिफिनीशन है वो कोर डिफिनीशन है, जो कंडीशंस होते हैं वो बिल्कुल वही हो जाते हैं। आप अल्टीमेट कॉमोटेटिव लेके करिए या नॉन कॉमोटेटिव करिए, आप देखेंगे जो एक्चुअल जो डिफिनीशन, एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सेम हो जाता है दोनों तरीके से आप डिफाइन करें। सो ये ऑथर टू ऑथर ये डिफर करता है फ्रेंड्स, इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसके लिए कोई कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है आपको। दिमाग में, माइंड में आप बिल्कुल क्लियर रहिए, बस डिफिनीशन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। जैसे इस केस में मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे क्या बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। यहां पे मैं जो रिंग लिया, इस रिंग को मैं बोल रहा हूं कि वो कॉमोटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यूनिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। सो सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट क्या बनाना है, मैं जनरल रिंग की बात कर रहा हूं। सो कोई भी जनरल रिंग अगर मैं लेता हूं आर प्लस डॉट, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होती है और वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। दैट मींस क्या हुआ, ऐसा हम लोग कर चुके हैं जहां पे मैं जैसे ऑर्डर्स की बात किए थे किसी एलिमेंट का, सो एग्जैक्टली वैसे ही सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट अगर उस पॉजिटिव इंटीजर जो सबसे छोटी है उसको मैं अगर n बोलता हूं, तो उस n से अगर उस रिंग के हर एक एलिमेंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए, उस रिंग का जीरो आ जाना चाहिए। तो इस लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n को मैं क्या बोलता हूं, उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आ गया कि नहीं। सो ये जो कंडीशन है
कि उस नंबर n से रिंग के हर एक एलिमेंट को, ऐसा भी नहीं कि अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है मुझे जिसको उस n से मल्टीप्लाई करता हूं ना, उस उसके बाद जो वो जीरो नहीं होता है तो वो जो है n उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। हर एक एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करता हूं n से और जीरो आता है तभी वो रिंग क्या होती है, उस वो जो नंबर n है उस रिंग का मैं क्या डिफाइन करता हूं, कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब इसके बाद ऐसा भी होता है कि किसी भी रिंग में ऐसा जो फाइनाइट नंबर की बात करें, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, वो मिले ही ना, तो उस केस में क्या करते हैं फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड एजम्पशन है मैथमेटिक्स में कि अगर ऐसे रिंग्स जिसमें कोई फाइनाइट नंबर न मिले n, सच दैट उस n से रिंग के हर एक एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो जीरो आता है, सो उस केस में हम क्या करते हैं उस रिंग के कैरेक्टरिस्टिक को सिंपली हम क्या करते हैं जीरो से डिनोट कर देते हैं, उसका नोटेशन जो है जीरो यूज कर देते हैं। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर मुझे कोई रिंग दिया हुआ है एक फाइनाइट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n मिलता है सच दैट उस n से रिंग के हर एक एलिमेंट को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जीरो आ जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा n जो है उस रिंग का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर ऐसा n फाइनाइट नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है फ्रेंड्स, जीरो। सो वही मैंने डिफाइन किया, एक बार मैं पढ़ देता हूं जो डिफाइन किया मैंने, लेट r प्लस बी अ रिंग, मैं क्लियरली यहां पे लिखा हूं विद और विदाउट यूनिटी, कॉमुटेटिव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब अगर ये डिफिनेशन किसी और बुक में पढ़ते हैं तो डिफरेंट बुक्स में अगर हो सकता है उस रिंग को कॉमुटेटिव ले लिया, किसी रिंग में यूनिटी ले लिया है, किसी ऑथर ने उसको यूनिटी ले लिया, तो इससे आपको टेंशन नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाना है। रिंग कॉमुटेटिव हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, रिंग का के पास यूनिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं जनरल रिंग की बात करता हूं किसी भी रिंग के लिए। सो अगर ये रिंग है तो एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट उस n को रिंग के हर एक एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा हर एक एलिमेंट के लिए, कोई भी अगर ऐसा एक एलिमेंट मिल जाता है रिंग का सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये n जो है उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, हर एक एलिमेंट के लिए n इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो उस केस में इस नंबर n को, इस लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n को मैं क्या डिफाइन करता हूं, उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं मिलता है, ऐसी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलती है फाइनाइट, तो उस केस में हम क्या डिफाइन कर देते हैं उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक जीरो। सो फ्रेंड्स ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, डिफिनेशन है आपको डिफिनेशन के थ्रू भी, अब आते हैं लेकिन हम बेसिकली जो कर रहे हैं जो हमारा टारगेट होगा, अगर मास्टर डिग्री भी मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा टारगेट होगा नेट की एग्जाम्स की बात करते हैं। सो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिजल्ट्स की बात करते हैं कि जिस रिजल्ट को यूज करके, डिफिनेशन तो अपने अलग हो गया लेकिन रिजल्ट कुछ ऐसा मिल जाए जिससे अगर कभी पूछता है कि रिंग की कैरेक्टरिस्टिक ये होगी तो वहां से मैं बता सकूं। सो रिजल्ट ये है फ्रेंड, रिजल्ट ये है कोई भी रिंग दिया हुआ है अगर, ये जनरल डिफिनेशन है, तो जनरल डिफिनेशन में पहले लिखा हूं कि रिंग के पास यूनिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो रिजल्ट है मैं मान के चल रहा हूं, अगर रिंग दिया है और उसके पास यूनिटी एलिमेंट है, अगर यूनिटी क्या होता है वन ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मैंने क्लियरली लिखा है कोई रिंग दिया हुआ है उसके पास अगर यूनिटी एलिमेंट है, ये रिजल्ट उन रिंग्स के लिए केवल एप्लीकेबल है जिसके पास यूनिटी होता है। और आप टेंशन मत लीजिए, मैक्सिमम जो रिंग्स हम पढ़ते हैं ना वहां पे यूनिटी एलिमेंट तो आता ही आता है, ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल केसेस होंगे या कुछ एग्जांपल्स होंगे जहां पे रिंग के पास यूनिटी नहीं होती है। सो अगर ये रिजल्ट मैक्सिमम उन्हीं रिंग्स के लिए अप्लाई करते हैं जिनके पास यूनिटी एलिमेंट, दैट मींस क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, ठीक है, तो उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगी। और यहां पे देखिए वो रिजल्ट्स बहुत यूजफुल होते हैं नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, मतलब दोनों तरफ से रिजल्ट ट्रू होता है, अगर ये है तो आगे वाला रिजल्ट भी होगा और ये है तो ये भी रिजल्ट होगा, तो इफ एंड ओनली इफ, इसलिए इसको आप बिल्कुल जरूर याद करिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक जीरो हो जाएगी अगर जो एडिटिव ग्रुप है ना आर प्लस, ध्यान दीजिएगा एडिटिव ग्रुप आर प्लस में इस वन की जो क्या डिफाइन किया, उस इस वन का जो ऑर्डर होगा ना वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब उसका ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एडिशन के रिस्पेक्ट में वन का, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। उसी तरीके से अगर कोई रिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, सो उस रिंग में अगर यूनिटी है तो उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक ये नंबर n, फाइनाइट नंबर की बात कर रहा हूं, ये होगा, यहां पे भी रिजल्ट है इफ एंड ओनली इफ, सेम रिजल्ट है इस यूनिटी एलिमेंट का
आर प्लस जो मैंने लिया है ना एबिलियन ग्रुप, इसमें इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, फाइनाइट आता है, वो क्या हो जाता है, एन के बराबर हो जाता है। सो इस रिजल्ट को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं क्या करूंगा, एग्जाम अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस रिंग के पास मैं पहले चेक करूंगा यूनिटी है कि नहीं। यूनिटी है तो उस रिंग में आर प्लस जो एबिलियन ग्रुप होता है उसके रिस्पेक्ट में इस वन का ऑर्डर निकालूंगा, और अगर वन का ऑर्डर फाइनाइट नंबर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5, तो उस रिंग की करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 5 होगी 100%। लेकिन अगर इस तरह का फाइनाइट नंबर नहीं आता है, इसका ऑर्डर वन का ऑर्डर जो है फाइनाइट नंबर्स नहीं आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उसका ऑर्डर क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो उस केस में क्या होगा, उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स ये मैं कॉन्सेप्ट जो था आपको एक्सप्लेन कर पाया, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है डिफाइन कर पाया। ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको बार बार अप्लाई करना सीखना है, आपको करना कुछ नहीं, कोई रिंग दिया हुआ है पहले ढूंढिए उसमें यूनिटी है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है कि नहीं। अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो आपको करना क्या है, उसका ऑर्डर निकाल लेना एडिशन के रिस्पेक्ट में। अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर फाइनाइट कोई नंबर आता है तो वही नंबर जो होगा उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, और अगर ऑर्डर जो है वन का यूनिटी का एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर फाइनाइट नंबर नहीं आता है, दैट मीन्स उसका ऑर्डर अगर इनफाइनाइट हो जाता है, तो उस केस में उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो आई होप फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को यूज करके और एक दो और कॉन्सेप्ट लिखने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स में आपको इसको बिल्कुल आपको लाइव एग्जाम्पल में बताऊंगा कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। सो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पे बेल आइकन आता है उसको जरूर क्लिक करें। सो इस पे इस कॉन्सेप्ट पे फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स और कुछ एग्जांपल्स कुछ जो कॉन्सेप्ट्स और रह जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स मैं आपको समझा पाया। सो थैंक यू वेरी मच।